खबर पिपरिया से, वैश्य महासम्मेलन की महिला इकाई द्वारा कोरोना से जंग में सफाईकर्मियों का अहम योगदान को लेकर नगरपालिका पार्क में कार्यक्रम आयोजित कर सभी नगरपालिका कर्मियों का सम्मान किया गया। सभी सफाईकर्मी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया एवं सभी को मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। वैश्य महासम्मेलन द्वारा कोरोना की जंग में अहम योगदान देते हुए जरूरतमंद लोगों को भोजन एवं भोजन सामग्री उपलब्ध कराई। वही वैश्य महासम्मेलन की महिला इकाई द्वारा कोरोना से बचाव को लेकर जनजागृति कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नगर की प्रमुख संस्थानों के 7 वार्डों में जरूरतमंद लोगों को सैनिटाइजर एवं मास्क वितरित किए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 6000 मास्क एवं 1500 सैनिटाइजर वाटल का वितरण हो चुका है। वैश्य महासम्मेलन की महिला इकाई की सदस्य राजश्री राठी, लता गुप्ता, किरण मुंदड़ा, सुधा अग्रवाल, वीना मुंदड़ा, संध्या अग्रवाल, वीना अग्रवाल, संध्या अग्रवाल, अनिता सोनी, ज्योति अग्रवाल, संध्या गुप्ता, रजनी अग्रवाल, निशा मनिहार, पिंकी अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, मोनिका कोठारी, शिवानी माहेश्वरी उत्साह से सहयोग कर रही हैं। अपने नेतृत्व आदरणीय विनोद जी प्रजापति सीएमओ साहब के नेतृत्व में, और ये निश्चित है इस टीम का कप्तान मजबूत होता है क्योंकि पूरी टीम मजबूत होती है। आज का जो हमारा कार्यक्रम लिया है हमने, क्योंकि इनके इसमें हम सलाम ठोकते हैं क्योंकि जिन्होंने हमारे शहर को स्वच्छ रखा और इनके वजह से हम सुरक्षित हैं। और जो कोविड-19 के वजह से जो हमारे पे महामारी आई है, तो इन्होंने हमारे शहर को स्वच्छ रखा, इनका धन्यवाद देने जैसे हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि एक से बढ़कर एक इन्होंने कार्य करे हैं और हमको सुरक्षित प्रदान किया है इस शहर को, और आगे भी हम इनके लिए करते रहेंगे। और ग्रामीण इलाके में जाके हम सुरक्षा के लिए सैनिटाइजेशन, मास्क और इस तरीके की व्यवस्था करके समझाइश देंगे कि कोविड-19 महामारी किस तरीके से है और इसको किस तरीके से हमको ये करना है, फाइट करना है। इस कार्य के लिए हमारी प्रभारी बहनें हैं दोनों, सुधा अग्रवाल और किरण मुंदड़ा। इन्होंने इस तरीके से कार्य किया है कि सब लोगों के लिए उन्होंने समझाइश दी, ये करी और एक से एक कार्रवाई बढ़ाती गई, एक से एक सदस्यों को जोड़ती गई, और ये कोविड-19 की समझाइश देने के लिए उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि उसका कुछ बयान नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छा कार्य उन्होंने। यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और इसको लेकर आपकी क्या मंशा है? कोरोना कोविड-19 महामारी के चलते हमने जन चेतना जन जागृति का एक अभियान चलाया है ताकि सभी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करके इस बीमारी से बचाव कर सके, सुरक्षित रह सके, यह हमारी योजना है और उद्देश्य है इसमें। और आप आगे क्या क्या करने का कार्यक्रम है आपका? हमारा यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र और घर घर जाकर के ग्रामीण इलाके में और जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक पहुँचने का हमारा जज्बा है ताकि हम वहाँ तक पहुँचे और लोगों को जागृत कर सकें। पिपरिया से खबर भारतवर्ष के लिए नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।